2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और संगठन के बीच में लगातार एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है और उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर एक लिखा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के लगातार बागी तेवर एक अलग तस्वीर बयां कर रही हैं, उसके लेकर 27 से पहले क्या उत्तर प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगवानी में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार ही भारतीय जनता पार्टी में एक अलग जो विरोध, एक कवायद, जो अंदरूनी कलह थी, उसकी तस्वीर अब बाहरी तौर पर देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नेताओं का बयान आ रहा है, इसको लेकर क्या ये कवायद लगाई जा सकती है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर एक बड़ा संशय बना हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 2024 चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब एक अलग तस्वीर देखने को नज़र आ रही है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार 2017 से सीएम है और जब से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभाली, तब से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने की बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कही है। लेकिन अब 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं, जो चीज़ें हैं, वो देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर एक बड़ी संशय स्थिति में बनी हुई है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रित नेतृत्व के दौर में एक नया उत्तर प्रदेश में चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिल सकता है? क्या जिस तरीके से गैर ओबीसी और बैकवर्ड जाति की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, उसको लेकर क्या केंद्र की सरकार, संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से बीजेपी में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल करता हुआ नज़र आएगा? इस सभी चीज़ों पर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि जिस तरीके से 2017 से लगातार राज्य में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है, उसके बाद 2024 में अब जाकर जिस तरीके से एक अंदरूनी कलह देखने को मिल रही थी, वह अंदरूनी कलह अब आप आमतौर पर सामने देखने को मिल रही है और योगी सरकार पर एक बड़ी अगर हम बात कहें तो एक बड़ा मैसेज जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार यूं ही चलती रहेगी या 2027 चुनाव से पहले जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और तमाम लोगों की एक बड़ी बयानबाज सामने आ रहा है, उसको लेकर सपा मुखिया ने पहले ही तंज कसते हुए नज़र आए हैं? उन्होंने लिखा है कि मानसून आप हर 100 लाओ सरकार बनाओ, यानी जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि सामने उपचुनाव है और उपचुनाव में 2024 के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत स्थिति में रखने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इस अंतःकलह से क्या लगता है कि आमतौर पर अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या कुछ देखने को मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें कितना परिणाम कर पाएगी और क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी?